हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हो राहुल शरण डीजे ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम लोग भाई रात में मुजफ्फरनगर यात्रा में जो भी अपने साउंड आने वाले सबको कवर करने में लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं भाई एक टोले पे जो कि साउंड लगा हुआ है कार्तिक साउंड मेरठ का। और अभी जो है भाई बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको सेटअप दिखा दूँ सेटअप किस प्रकार से लग रहा है, तो अभी जो है हम लोग अपने भैया ओनर से बात करवाएंगे प्लस दिखाएंगे इसमें क्या क्या लगने वाला सेटअप। और भाई कंप्लीट यहाँ पे तैयारी चल रही है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे भी और काफी बढ़िया ट्रोलर लगने वाला है। सो लेट्स गो, चलेंगे हम लोग अभी भैया लोगों से बात करते हैं। लेट्स गो। पहले अगर उससे पहले आपको दिखा दे ट्रोले पे अभी तक क्या क्या लग चुका है। तो यहाँ पे यदि अगर हम आपको दिखा दे भाई ट्रोले की बात कर ले, तो ट्रोले पे जो है अपने लगभग 8-1 बेस लग चुकी है यहाँ पे। आपका फ्रंट है जी आएगा और इस साइड आएगा आपकी 3 साइड जो है ये आपका फ्रंट है इस टाइम ये 10 बेस। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मैं नाम भैया सोनू है। मैं सोनू भैया, कैसे हैं? कार्तिक फर्म से हूं भैया। कार्तिक साउंड से यहां जी। ये जो आपके हम फ्रंट पे लगा रहे हैं फ्रंट पे हमारी ये फिलहाल 10 बेस आ रही है भैया। अच्छा, फ्रंट पे 10 बेस आ रही है अपनी। तो एक बार मैं काउंट कर सकता हूं यहां पे, देख सकते हैं 1 2 3 4 तो लगभग फिलहाल 8 बेस है अभी। दो यहां पे, अच्छा दो अपनी आगे आ जाएंगी स्टैंड पे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये जगह बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा, एक चीज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है लोगो लग रहा है केएस का लगा हुआ भैया, काफी बढ़िया उन्होंने लोगो लगाया हुआ अपना। तो अभी जो है हमारा मेरठ से बिलोंग करता है साउंड। तो एक बार मैं भैया एक बार ओनर से भी बात कर सकता हूँ क्या हमारे जी? और क्या तो जी भैया, कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अवनीश भैया। तो अवनीश भैया कैसे हैं आप? पहले तो भैया नमस्कार। तो भैया बहुत बढ़िया आपने सेटअप लगा दिया, आपके सभी भैया लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सभी पूरी मेहनत कर रहे हैं जी। तो अच्छा, यदि मैं अभी बात कर लूँ यहाँ पे अपना लोगो लगा हुआ है कार्तिक साउंड का, तो मैं बात करना चाहता हूँ आप भैया मेरठ से ही है? तो मेरठ से कहाँ से बिलोंग करते हैं आप भैया? जयदेवी नगर। अच्छा, मेरठ शास्त्री नगर के पास जयदेवी नगर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अभी जो भैया अपने साउंड में क्या क्या लगने वाला है टोटल सेटअप? साउंड में 22 बेस 24 आरपी। अच्छा अच्छा, 8 लाइनर। 8 लाइनर जी। चार आपके ब्लेंडर होंगे, एक कलर फैन होंगे, 4 आपके ब्लेंडर होंगे लाइट वाले और आपके शार्पी होंगे। अच्छा 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 जी, मिला के सेटअप मजबूत है काफी, मतलब बढ़िया सेटअप होने वाला है यहाँ पे जो भी है। जितना भी रखा हुआ है टच वगैरह भी देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे लग जाएगा जी जी। तो यदि मैं बालाजी यात्रा की बात कर लूँ भैया, तो बालाजी यात्रा की काफी टाइम से तैयारी चल रही होगी अपनी, सही कह रहा हूँ मैं? 2 महीने से। अच्छा, 2 महीने से तैयारी चल रही थी अपनी जी। तो यदि अगर मैं बात कर लूँ भैया अभी बालाजी यात्रा, देखिए सुबह तक अपना सेटअप लग जाना चाहिए मेरे ख्याल में, लगभग कितना टाइम लग जाएगा फिर भी? मैक्सिमम 5 से 6 बजे तक टेस्टिंग मारते, 5 से 6 बजे तक टेस्टिंग मारती है विद लाइट टेस्टिंग लग जाएगी। 5 घंटे लग जाएंगे जी 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 जी। लाइट टेस्टिंग मारते जी। देखिए भैया काफी बढ़िया पारिवारिक सा माहौल बना रखा आपने, सभी आपके भाई लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कोई भी। ये पार्टी अपनी पुरानी है, पुरानी पार्टी है और ये ऐसा नहीं है हम पहली बार आ रहे हैं। 2019 में इनका काम करके गए थे, फिर हमें पिछले साल भी इन्होंने याद करा था। अच्छा, पिछले साल भी आए थे लेकिन बिजी थे, मेन डोले पे थे हमारी साउंड। अच्छा, बालाजी यात्रा में? बालाजी यात्रा में जी, काम नहीं कर पाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इन्होंने इस साल हमें याद करा था, हम फिर इनके साथ आए काम। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया वाला सेटअप होने वाला है जैसे कि भैया ने बताया 22 बेस लगेंगी। तो फ्रंट की बात कर लूँ तो भैया अपने फ्रंट में कितनी बेस लग जाएंगी? 10 बेस अपने यहाँ पे टोटल 10 बेस आ जाएंगी। अच्छा, ये जो सेटअप है मैं देख पा रहा हूँ जो ऑल ट्रोले हैं उनसे काफी कंजेस्टेड है, पर काफी पतला होने वाला है, तो उसका क्या? ये सारी गलियों में जाएगा, ये बाहर नहीं घूमेगा, मेन रोड पे ना घूमेंगे, पूरे ही मेले को कवर करेगा, पूरे मेले को, पूरे मेले को कवर करेगा। ये नहीं कि बाहर ही बाहर घूमे, गलियों में जाता इसी वजह ताकि आसानी से निकल जाए और गलियों में से भी प्रशासन को भी दिक्कत ना हो ना इसमें। जी जी जी, सही बात है, प्रशासन में ये है कि व्यवस्था ना बिगड़े यात्रा की। बिल्कुल बिल्कुल, डीजे क्या है एक सड़क पे अटक गया तो वो 2 घंटे यात्रा रोक दी उसने। सही बात है, तो इस चक्कर में ही थोड़ा इसका सेटअप जो है 10 फीट का ही लेके गया। अच्छा अच्छा, मतलब ये 10 फीट की विड्थ है? 10 फीट की ली गई है जी, कि हमें दिक्कत ना आए यात्रा। अगर हम हाइट बढ़ा देते हैं कहीं कोलम वोलम अड़ जाती है वहाँ मैटर पे। बिल्कुल, सराफा बाजार में दिक्कत होती है, सराफा बाजार में एक ही मोड़ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी हिसाब से इसको मेंटेन करा गया पूरे सेटअप को। तो ये हमारे साथ पार्टी वाले भी हैं सभी, तो अभी दूसरी बार मौका दिया है भैया ने, अभी भैया ने हमें बताया 2019 के बाद फिर से मौका दिया आपने, 22 में भी आपने ने याद करा था मगर इनका मेन डोले पे था सेटअप। मेन डोले पे बालाजी मंदिर के रथ के आगे ही, बालाजी के रथ के आगे भैया का सेटअप था। अच्छा अच्छा अच्छा, साल फिर भैया को दोबारा बुलाया गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो भैया कैसा रहता है भैया के साथ एक्सपीरियंस? भैया के साथ एक्सपीरियंस बढ़िया होगा जी, जब दोबारा दूसरे को मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भैया को दोबारा मौका दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि बढ़िया बजा होगा साउंड। बिल्कुल बिल्कुल, तो उम्मीद है हमें कि हमारा साउंड बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बाकी बाबा जी का आशीर्वाद कंपटीशन की नहीं है कुछ भी जी, तो अपना है कि सब हम भाई लोग सारे लोग मिलके एक एंजॉयमेंट के लिए बालाजी यात्रा का जी। हम प्रसाद में फल वगैरह बांटते हैं जैसे कि। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया ये सभी रहता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निकुंज गोयल है। निकुंज गोयल भैया, काफी कुछ बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी अच्छा लगा आपसे मिल करके। और यहाँ पे जो है देखिए भैया ने बताया आपके बारे में, तारीफ की आपको कुछ अच्छा लगा होगा तभी बहन आपको दोबारा बुलाया हमारे जी। अच्छा, ऑपरेटिंग भी आप ही करते हैं? अच्छा अच्छा, ओनर ही है तो ऑपरेटिंग भी आप ही करते हैं भैया? काम करने के लिए आए हुए हमारे लिए। अच्छा, यही मैं ही करके जाऊंगा आज इनका काम वाले।
जी वो लाइट वाले। अरे वेल भैया कैसे हो और बताओ भैया क्या चल रहा है? लाइटिंग यहाँ भी अपनी? अच्छा अच्छा, तो क्या क्या लगा रहे हो लाइटिंग में वेल भैया? देखते हैं अभी, फिर भी आइडिया लगभग कितना लग जाएगा? वो देखेगा वो जब लगेगा। अच्छा अपना सेटअप आ चुका है मतलब? अच्छा अच्छा भैया, अच्छा अच्छा जी, खाली डिजाइनिंग देनी है भैया ही देंगे, वो जो भी देंगे। अच्छा भैया करेंगे जो भी करेंगे। चलिए भैया बैल भैया बढ़िया लगे रही है, आप भी सभी के साथ देखिए काम करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके। और मैं आशा करूंगा भैया आपको हर साल बुलाए भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भैया। जिसने जी जी बाबा, अच्छा अच्छा अच्छा, कांवड़ मेले में भी रहता है क्या भैया? अभी तो लगभग हम जो है 2019 के बाद से कांवड़ में आए नहीं है। अच्छा 2019 से कांवड़ के, तो इस बार से पहले काफी कांवड़ करी है। अच्छा अच्छा, बाकी इस बार की तैयारी, अगर कोई हमें बुक करना चाहता है तो बिल्कुल अवेलेबल है। तो कांवड़ यात्रा की अगर मैं बात कर लूँ तो भैया नंबर वगैरह क्या होगा अपना? नंबर है हमारा 9319-469-569। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक बार डिस्प्ले में भी दे दूंगा आपका नंबर, ठीक है, ताकि कोई भी अगर इजीली बुक करना चाहता हो। एलईडी बोर्ड पे भी दिख जाएगा, एलईडी बोर्ड पे भी दिख जाएगा लाइटिंग जी, बोर्ड भी लगेगा जी जी, बाकी टेस्टिंग सुबह लगेगी। चले भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा डीजे कार्तिक साउंड मेरठ से, और काफी बढ़िया सेटअप लगा ही रहे हैं, अभी इंस्टॉल हो जाएगा लगभग। यहाँ पे जो है लाइटनिंग वगैरह भी आ चुकी है, आपको दिखा दे। तो लाइटनिंग के लिए हमारे यहाँ पे बैल भैया हैं जो मेरठ के लाइट्स वाले हैं, काफी बढ़िया इनका सेटअप होने वाला है। तो धन्यवाद आप सभी का जिसने हमारी वीडियो देखी हो, धन्यवाद।